तो हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ वाटर कलर के बारे में बताऊंगा। एक जैसे कि आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको वाइट कलर छोड़ना है, तो वाटर कलर में तो वाइट होता नहीं है, तो आप वाइट कलर को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और आपको वाइट कलर चाहिए एकदम पेंटिंग में, तो उसके लिए एक फ्लूड आता है, उसको बोलते हैं मास्किंग फ्लूड। तो उसके यूजेस के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है मास्किंग फ्लूड, बट सही है, तो उसका यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो आप सामने पेंटिंग देख रहे हैं, ये एक कमीशन आर्ट वर्क है जो कि मैंने वाटर कलर से बनाया है, और ये फुल ब्रश वर्क है, नहीं इसमें मैंने कलर पेंसिल कुछ यूज़ नहीं किया है। तो काफ़ी डिटेल्ड आर्ट वर्क है, और इसमें जो ये आप देख रहे हैं इसमें पत्ती, ये मैंने मास्किंग फ्लूड के से बनाया है। इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है एकदम वाइट। और इधर जो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे, अभी मैं इसको आपके सामने ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको जैसे कि बताने वाला था कि मास्किंग फ्लूड कैसे यूज़ होता है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये रहा उसका बॉक्स मास्किंग फ्लूड का। तो ये देख सकते हैं पेपो का है, काफ़ी अच्छा सही है, एकदम अच्छा पेपर पर से कोई भी पेपर को डैमेज नहीं करता है, काफ़ी इजीली पेपर से रिमूव हो जाता है। मैंने पर्सनली ट्राई किया है, फिर आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, आप भी इसे ज़रूर यूज़ करें। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इतना अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आर्टवर्क बनाना चाहते हैं तो आप इतना कर सकते हैं। तो मैं बात कर लूँ इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो आप इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली एक सेपरेट ब्रश रखें। सेपरेट ब्रश रखने से होगा क्या कि आपका जो मेन ब्रश होगा, जैसे कि मैं ये एक मॉप ब्रश यूज़ करता हूँ, ये नॉर्मली मैंने अपने लोकल मार्केट से बाय किया है जो कि मुझे 200-150 का पड़ा है पर पीस। ऐसे अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको ब्रशों का मॉप ब्रश और काफ़ी सारे आते हैं बढ़िया क्वालिटी के मॉप ब्रशेस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी उतना अच्छा आर्टवर्क बनाता नहीं हूँ, तो मैं फ़िलहाल सस्ता वाला ब्रश यूज़ करता हूँ। तो अब बात कर ले कि इसे यूज़ कैसे किया जाए, तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर भी वाइट या फिर आप यू कह लीजिए कि वहाँ पे आपको कलर डालना ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, एक भी चीज़ को मिस मत कीजिए। ये रहा वीडियो का मेन पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग ड्रो देखिए, यहाँ पे जो आपको वाइट वाइट फ्लावर्स सब दिख रहे होंगे वो मैं यहाँ पे ड्रो करूँगा, या यू कहिएगी वहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दूँगा, वो ऑटोमेटिकली ड्रो हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है, और अपने जो मैंने बोला था इसको सेपरेट ब्रश रखना है इसके लिए, तो सेपरेट ब्रश मैंने यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, छोटा वाला 00 साइज़ ब्रश है ये। और जहाँ जहाँ पर मुझे वाइट दिख रहा है वहाँ पर मैं इस मास्किंग फ्लूड को अप्लाई कर दूंगा धीरे धीरे, और ध्यान रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है और आपको काम थोड़ा फास्ट करना होगा, नहीं तो आपका जो फ्लूड है वो वेस्ट हो जाएगा, काफ़ी जल्दी ये ड्राई होता है। तो यहाँ पे वीडियो में चल रहा है, मैं भी कुछ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो, बट जो मैं कर रहा था उसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लिया था, अपने एकदम अपने एक स्पीड को मेंटेन करते हुए। और वो जहाँ भी लगे कि हाँ यहाँ वाइट करना है तो बिंदास वहाँ पे इस फ्लूड को आप कर सकते हैं, और इसकी ख़ास बात ये है कि पेपर को थोड़ा भी डैमेज नहीं करेगा, तो बिंदास आप ये कर सकते हैं। ये होने के बाद देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो जैसे कि हमारे रेफरेंस में है तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कलर्स ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको वाटर कलर का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर ट्यूटोरियल लाने का ट्राई करूँगा। वाटर कलर में बेसिकली वाटर हैंडल करना आना चाहिए, वही अगर आप सीख गए तो आपसे वाटर कलर ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पत्ती ऐड कर रहा हूँ, वो पत्ती उतना शार्प नहीं होंगे क्योंकि ये बैकग्राउंड है और इसमें उतना डिटेल नहीं दिखा जाता है, और ये पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट में तो बैकग्राउंड ऐसे नहीं बनाया जाता है, बट ये मेरे जो क्लाइंट हैं उनके डिमांड के कारण मुझे करना पड़ रहा है। तो काफ़ी मेहनत और
टाइम के साथ ये पोर्ट्रेट फाइनली कंप्लीट हो गया है और मैं इसे शिप कर रहा हूँ, तो करने वाला हूँ। और उसका जो वीडियो है, जैसे कि पैकिंग कैसे किया जाता है, वो भी मैं लाने वाला हूँ जल्द ही, और काफ़ी सस्ते में हो जाएगा। और यहाँ पे जब अभी हो चुका है पूरा, अब बारी है इसके ऊपर इसको रिमूव करने की, तो काफ़ी चुटकियों में हो जाएगा ये, तो उसको बस देखते जाइए वीडियो को कैसे मैं करता हूँ। पूरा एकदम आसानी से हो जाएगा, और यहाँ पे जैसा वाइट है वैसा ही वाइट वहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस करना कुछ नहीं है, देखा भाई ड्राई हो चुका है, तो एक बार फिंगर को लेना है और हल्के से रब करना है इस पर, और आप देखेंगे कुछ स्टिकी सब्सटेंस उसमें से निकलेगा। तो बस रब करते जाना है और इसको सारे को एकदम अच्छे से रिमूव कर देना है। ध्यान रहे कि पेपर ड्राई होने के बाद इसको रिमूव करना है, नहीं तो पेपर डैमेज हो सकता है, इस बात का खास करके ख्याल रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्योर वाइट हो चुका है, जैसा कि रेफरेंस में है। अब चाहे तो आप इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुआ, ये जो पूरा देख सकते हैं एकदम बढ़िया से। तो हमारा पेंटिंग यहाँ पे फुल कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी कि A3 पेपर को कैसे शिप किया जाता है। मैं इसको एक कार्डबोर्ड, ये मोटा सा सीट बोल सकते हैं, उस पर रख के ड्रॉ करता हूँ, तो आप भी ज़रूर यूज़ करें चारों तरफ से टेपिंग करके। इसे पेपर ऊपर की तरह उठता नहीं है, वाटर कलर में बेसिकली ऐसा होता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि इसे कैसे पैक किया जाए, तो मैंने पैकिंग का सारे तैयारी कर लिए हैं और आपको काफ़ी सस्ते में पैक करके दिखाऊंगा। हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर इस वीडियो को आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।